हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सो दोस्तों, बहुत दिनों से आप लोग मुझे कह रहे थे कि सर आपका होम टूर करा दो। होम के अलग अलग एंगल से आप लोग वीडियो बनाते रहते हो। सो दोस्तों, इस वीडियो के एंड में एक मोटिवेशनल स्टोरी भी है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, एक बार की बात है, मतलब मैं बहुत ही छोटा था और हमारा पूरा परिवार एक जगह जा रहे थे और एक घर को देख के मैंने अपने पापा को बोला था कि पापा घर अपना ऐसा होना चाहिए। तो पापा ने बोला था एक दिन होगा। और इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग यहां तक पहुंचे। दोस्तों, ये जो पूरा सब चीजें देखेंगे, ये सारा जो सेटअप है, आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने अपने पैसों से बनाया है, ऐसा नहीं, मेरे पिताजी ने बनाया है और हम एक जॉइंट फैमिली है रहे, इस वजह से थोड़ा सा आपको डिसेंट साइज का घर दिखेगा। तो आइए चलिए घर देखते हैं। सो सबसे पहले मैं कैमरा का क्रेडिट दे देता हूँ मेरी बहन को, ठीक है? तो ये पूरा पीछे तक आना चाहिए। तो दोस्तों, ये हमारे घर का फ्रंट है जो आप लोग देख पा रहे होंगे। पूरा जो घर का फ्रंट है, थोड़ा सा मतलब हवेली टाइप का लुक देने की कोशिश की है। और घर का नाम है उषा कुंज, उषा कुंज मेरी मदर का नाम है। तो चलिए अब घर में एंट्री लेते हैं। और घर के सामने आप लोगों ने देखा होगा पार्क एक है, और पार्क लोकेशन का घर है ये, ताकि शाम को अगर कभी घूमना फिरना हो तो वो भी हो जाए, ठीक है? ये गार्डन है, यहाँ पे एक आप लोग गार्डन देख सकते हैं जो हम लोगों ने बनाया। इसके अंदर घास वगैरह सब ओरिजिनल लगाने की कोशिश की है। सो दिस इज वेयर वी एंटर, और ठीक है, यहीं से आपने वो CBSE के वीडियोस मेरे देखे होंगे। ये हमारी टू व्हीलर है और ये मेन गेट है। ऑल्दो घर अभी भी कंस्ट्रक्शन फेज में है, बट आप लोगों ने बोला इसलिए मैंने एक वीडियो बना दिया। तो यहाँ से एंट्री रहती है जनरली, और यहाँ पे मुझे भी नहीं पता क्या क्या है। ये ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है दोस्तों, गलती से भी इसको ऑक्सीजन सिलेंडर ना समझा। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है, मुझे बताया गया मेरे ससुर द्वारा, ठीक है? फिर ये गैलरी है, यहाँ पे क्रिकेट खेल सकते हैं हम लोग, क्रिकेट खेलते भी हम लोग, ठीक है? तो अब मैं घर के अंदर एंट्री ले रहा हूँ, ठीक है? घर के अंदर एंट्री ले रहा हूँ और अब आना। तो दोस्तों, इसमें टीवी चल रही है, मेरे भाई ने इसको म्यूट कर दिया, ठीक है? ये मेरा भाई घूम रहा है यहाँ पे। ये मेरे दादाजी है और ये मेरे फादर है, ठीक है? और अभी नाश्ता चल रहा है। तो दोस्तों, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से हमने थोड़ा घर बड़ा बनाया ताकि सब दूर दूर रह सके। ये मेरी भाभी है, ठीक है? तो ये हम लोग का किचन है दोस्तों। अभी कोई भी काम नहीं कर रहा क्योंकि ये इस समय शूट किया गया है जब कुछ भी खाना नहीं बन पा रहा है, राइट? तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये मेरी भतीजी है। सो हम लोग घर में काफी सारे लोग रहते हैं, आप लोग मेरे सेशन में देखते भी हो, बहुत सारे लोग आपको वीडियो में दिखते हैं। ये हमारा मंदिर है, राइट? ये हम लोग का मंदिर है। लाइट जलाऊं क्या? ये लाइट जल गई है दोस्तों, ठीक है? तो ये हम लोगों ने मंदिर बना रखा है यहाँ पे। और ये हमारा एक और ये मेरी मम्मी है, आप लोग को पता होगा। ये यहाँ पे भी टीवी चल रही है, हर जगह टीवी चलती रहती है, बंद करते हैं आपको जैसे पता है हर बच्चे के हर घर में जिस तरह से बच्चों का रिएक्शन आता है। तो ये बेसिकली मेरे मम्मी पापा का कमरा है, ठीक है? फिर ये मेरी सिस्टर का कमरा है। और यहाँ पे दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, मैं जिम बना रहा हूँ यहाँ पे। ये हमारा एक तरह से स्टोर टाइप की जगह है, ठीक है? स्टोर टाइप की जगह है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं अभी अपना जिम बनाने वाला हूँ। एक दो इक्विपमेंट अभी आए हैं, अभी थोड़ा सा वही मैं जैसा मैंने बताया था कंस्ट्रक्शन फेज में चल रहा है, थोड़ा डिटेल मैं आप लोगों को ये चीज बता रहा हूँ, इसलिए आप ये सारी चीजें देख पा रहे हैं, ठीक है? और जैसा हर जॉइंट फैमिली में होता है, बहुत सारे कपड़े सब जगह पे है यहाँ पे, ठीक है? तो बट मैंने इसमें देखो, ये बिल्कुल ऑनेस्ट कट है, कुछ भी चीज ऐसा नहीं कि आप लोगों को दिखाने के लिए व्यवस्थित की, जैसा हमारा कर रहा था वैसे, ठीक है? चलिए अब ऊपर चलते हैं। ऊपर का जो पोर्शन है वो हम लोगों ने अभी ही बनाया था, और मेनली जो मैं वीडियो शूट करता हूँ वो अपने ऊपर वाले पोर्शन से ही करता हूँ, ठीक है? तो ये आप लोगों को जाने पहचान जगह देखी होगी, यहाँ पे हम लोग बाद में आएंगे। ये मेरा स्टूडियो है, राइट? तो ये एक गैलरी है, दो बेडरूम है, ये मेरा बेडरूम है, और ये मतलब दोनों बेडरूम आइडेंटिकल है, ये मेरे ब्रदर का है, दोनों आइडेंटिकल है। ये वाला बेडरूम अभी बंद है किसी रीजन से, ठीक है? और यहाँ पे है, और हाँ एक कुछ हो रहा है इसे बताया गया। और ये वॉक इन वार्डरोब वगैरह की टाइप की चीजें हैं दोस्तों, लाइट चल रही है। हाँ, तो ये वॉक इन वार्डरोब है, इधर अटैच्ड वॉशरूम है, ठीक है? इधर अटैच्ड वॉशरूम है, ये सारी चीजें हैं,
ठीक है, तो दूसरा भी ऐसा ही है। और ये जो व्यू है ना, ये व्यू मैंने आप लोगों के लिए काफी बार लिया हुआ है, ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो ये है दोस्तों जो बाहर का गैलरी व्यू है। सो ये इधर मेरा कमरा है, यहाँ से बाहर आ सकते हैं, और ये व्यू भी मैंने काफी बार लिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और इधर का व्यू भी, इधर थोड़ा डाला पड़ा हुआ है क्योंकि अभी तक ये देखो ये घर क्या कंस्ट्रक्शन मोड में है, इस वजह से ऐसी सिचुएशन है। और ओवरऑल मतलब काफी ग्रीनरी वगैरह है आसपास, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अभी डी मार्ट भी दिखाऊंगा, तुम्हारा फेवरेट डी मार्ट जो आप लोग बार बार देखते हो। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, बंद कर, ठीक है। तो चल अब ऊपर जो आप लोग बोल रहे थे, ऊपर से आपका घर बिल्कुल हवेली टाइप लगता है, तो अब हम लोग हमारी छत पे चल रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये हमारी छत है, और छत ऐसी है कि आराम से बहुत बढ़िया तरीके से क्रिकेट खेला जा सकता है, बहुत बढ़िया तरीके से उसको क्रिकेट खेला जा सकता है। हम धूप में नहीं जाएंगे क्योंकि धूप में जाने से मैं काला हो सकता हूँ। तो ये है दोस्तों, पीछे आप लोग सारी चीज़ देख पा रहे होंगे। तो ये मतलब क्यों बनाया, देखो मेरे को भी पता तो नहीं है कि क्यों बनाया, बट अच्छा लगता है। और यहाँ पे कभी हमारा आइडिया है कि ब्रेकफास्ट करेंगे, और ये आपका फेवरेट डी मार्ट है, ये आपकी वो फेवरेट बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग के पीछे आगे मैं वीडियो बनाता हूँ। सो ये है बस, और क्या दोस्तों, स्टूडियो आप लोगों ने देखा है, स्टूडियो पे ही इस वीडियो को खत्म करेंगे, और फिर मैं आप लोगों को स्टोरी बताऊंगा वाली, बहुत छोटी सी स्टोरी है, ठीक है। तो जब तक स्टूडियो चल रहा है मैं आप लोग बता दूँ, तो मतलब मेरे फादर 1983 में कोटा आ गए थे, और तब से उन्होंने जॉब की, 9 साल तक जॉब की, 92 से अपना बिजनेस स्टार्ट किया, और 1992 मैं 90 में पैदा हुआ था, आप लोगों को पता है, ये मेरा स्टूडियो है, ठीक है। दिस इज वेयर ऑल दी फन हैपन्स, राइट, सारा फन यहीं पे होता है। ये सारी चीज आप लोगों को देखिए, मतलब होम थिएटर टाइप का बना रखा है ताकि बच्चे मूवी भी देख सकें। तो मैं आप लोगों को जो बता रहा था कि 92 में पापा ने बिजनेस स्टार्ट किया था, और उसके बाद से 92 के बाद से बेसिकली लगातार मेहनत की, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, और फिर आप ये मान के चलिए कि जितना भी ये सब चीजें सेटअप है, हम लोग घर में 11 लोग रहते हैं, मतलब पापा मम्मी फिर मैं, मेरी वाइफ, भैया, भैया की वाइफ, मेरी बहन, फिर टोटल मिला के मतलब 11 लोग हैं, उसके 3 बच्चे, मेरा एक बच्चा, हमारा एक हाउस सर्वेंट भी है, अभी दादाजी भी हैं, तो टोटल मिला के काफी सारे लोग रहते हैं। तो इन सब के लिए जो सेटअप है वो मेरे फादर ने खड़ा किया है, बेस्ड ऑन अ वेरी सिंपल प्रिंसिपल, हार्डवर्क। लाइक ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। आप लोग मुझसे बात करते हैं, मुझसे पूछते हैं, वेयर डू यू गेट द इंस्पिरेशन टू बी सो हार्ड वर्किंग, टू बी सो लाइक अटेंटिव टू द क्वेरीज ऑफ स्टूडेंट्स। तो दोस्तों मैं अपने, मेरे फादर का एग्रीकल्चर का बिजनेस है, तो मैं जितना अटेंटिव उनको किसानों के प्रति देखता हूं, उसका आधा ये मान लो कि मैं एफर्ट मान लगा पा रहा हूं स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मैं एजुकेशन सेक्टर में, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में। सो गाइस, ये हमारा घर था, ये आप लोगों के लिए हाउस टूर था, एंड में उनकी, मेरे फादर से रिलेटेड भी मैंने कुछ आपको चीज बताई। आई होप आप लोग को ये बहुत अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, इसको मैक्सिमम जगह शेयर करें, और लास्ट में फिर से क्रेडिट दूंगा मैं अपनी सिस्टर को जिन्होंने मेरे लिए ये कैमरा पकड़ा। थैंक यू।